गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजू बाबा एक्सप्रेस। दोस्तों सबसे पहले तो आज मेरा बर्थडे है 13 जुलाई को, तो मैं सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिसने मेरे को विश किया है। और इसी बर्थडे पे मैं आप सबको दोस्तों स्पेशली एक जो मेरा ऑफ़र है आप सबके लिए, वो यही है सभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से दोस्तों, एक मंथ का जो टेक्स्ट बुक फ्री होता है दोस्तों, वो आपको बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। साथ ही बता देना चाहता हूं दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है 10 जुलाई को एलएपी और टेक्निकल वाला, उनका दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर आई है। और जिनका पेपर हुआ है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ उनका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। अभी उनका आंसर की आ चुका है दोस्तों, आप 14 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में दोस्तों अपने आंसर को ऑनलाइन देख सकते हैं दोस्तों। उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, आपको लग रहा कि वो मैंने सही किया, उसका आंसर सही कौन सा है, तो इस तरह से आपको दोस्तों अपने आंसर शीट देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो कल 14 जुलाई से आप दोस्तों अपना जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसका ऑफिशियल आंसर की दे सकते हैं। बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप उसका पर्टिकुलर दोस्तों आपको 300 रुपये चार्ज लगेगा आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको अपना जो ऑब्जेक्शन लगाना है ऑनलाइन ही लगेगा दोस्तों। ऑफिशियल साइट पे जाके आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डालना पड़ेगा, आंसर की देखने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन पे 300 रुपये चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, आप जाइए और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपने आंसर की देखिए दोस्तों। पेपर थोड़ा मॉडरेट ही था, इजी भी नहीं था, लेकिन आपने तैयारी की है दोस्तों, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। साथ ही बता देना चाहता हूँ, जो दूसरी अपडेट आ रही है दोस्तों, जो जीडीसी का जेई का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो इसी सप्ताह में उसकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो बता देने वाला है। तो आप है जो अपनी तैयारी कीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सप्ताह में दोस्तों जेई का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। जिनका जेई का एग्ज़ाम है वो भी अपनी तैयारी कीजिएगा इसी पेपर को देखते हुए कि पेपर कैसा आ रहा है। और जो तीसरी अपडेट आ रही है दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से भी दोस्तों, जो ओपीएस को लेकर जो काफ़ी दिनों से दोस्तों स्ट्राइक किया जा रहा था, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, अभी 11 जुलाई को दोस्तों हैदराबाद डिवीज़न में साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया है। उसमें दोस्तों मैं भी गया था, और साथ ही दोस्तों 12 जुलाई को साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि रेलवे एम्प्लॉय को दोस्तों ओपीएस का लाभ मिले। और इसके लिए दोस्तों जो स्टेटमेंट आया है दोस्तों कि 15 जुलाई को दोस्तों एक बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये अपना ओपीएस का जो भी है लिया जा सकता है निर्णय। तो 23 जुलाई को दोस्तों अपना मानसून सत्र, संसद का भी सत्र शुरू होने, बजट भी आने वाला है, तो उसमें दोस्तों अपने रेलवे एम्प्लॉय के लिए भी कुछ अच्छी घोषणा हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि अपने लिए कुछ अच्छा ही होगा बजट में भी। तो ये सब अपडेट थी दोस्तों आपके लिए, मैंने वन बाई वन करके आपको बता दिया है दोस्तों। आप सबसे उम्मीद है कि आप मुझे इसी तरह से लाइक कमेंट सपोर्ट करते रहिएगा, अब और भी जो अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आपका संजू बाबा एक्सप्रेस।